Assalamu alaikum to all Facebook fans of Pakistan and abroad. As you know me, my name is Asif Anderson from tutors.com.pk, introducing Daniel Home Tutor Services. Now, today we have a special guest from Islamabad, Engineer Khurram Naseer Saab. He is operating QEL and is mostly involved in career counselling. So, aaj hum janenge inse bare mein ke career counselling kya hai aur what is QEL. Over to you, sir. Thank you, sir. Mera naam to aapne bata diya hai, Muhammad Khurram Naseer, aur I am the director of Qamar Education Linkers. QEL basically stands for Qamar Education Linkers. और हम पाकिस्तान के 7 सिटीज़ में काम कर रहे हैं, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची एंड भावलपुर. उसके अलावा जो है हमारी टीम्स ऑनलाइन ट्यूटरिंग में भी काम कर रही हैं. तो मेन हमारा जो फोकस ही होता है कि ट्यूटरिंग के साथ साथ जो है ना बच्चों को और पेरेंट्स को ख़ास तौर पर हम जो है ना आगे बच्चों के करियर के हवाले से राइट डायरेक्शंस देते हैं, क्योंकि सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं होता, टीचर्स का बेसिकली उनको एक सही तरह से डायरेक्ट भी करना होता है, क्योंकि जिस एजुकेशन की बेसिस पे उन्होंने आगे जाना है तो वो सारी ज़िंदगी जाने उन पर आगे डिपेंड कर रहा होता है, उनके जो करियर है ना सारा. तो इस वजह से आपको अपने लिए अपना राइट करियर चूज़ करना पड़ता है. तो जिस तरह मेरा अपना करियर एज ए इंजीनियर, मेरी जो डिग्रीज वगैरह हैं वो इंजीनियरिंग में हैं, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियर हूँ, और मैं अभी ऑनलाइन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एज इंजीनियर, और साथ साथ टीचिंग चूँकि मेरे जीन्स में है तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं. और मैं मेरा सबसे पहला जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए है कि बेसिकली आप जब अपने बच्चे को किसी फील्ड में भेज रहे होते हैं, फर्स्ट करें आप भी जिस तरह रिसेंटली आप जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन होने वाले हैं, तो बच्चों पर सबसे ज़्यादा जो प्रेशर होता है वो पेरेंट्स का होता है. पेरेंट्स का क्या प्रेशर होता है कि हमारे जो पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जी फलाने का बच्चा इंजीनियर है तो आप भी इंजीनियर बनोगे, फलाने का बच्चा डॉक्टर है तो आप भी डॉक्टर बनोगे. ये मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए. हाँ, क्योंकि इसमें देखें जब बच्चे को आपकी एक्सपर्टीज जब आपको नहीं पता होगी तो आपका माइंड क्लियर नहीं होगा, तो आपका माइंड हमेशा कन्फ्यूज रहेगा, पेरेंट्स का भी और बच्चे का भी. क्योंकि बच्चे को अपना तभी पता चलता है जब वो खुद अपने आप को एनालाइज कर जाता है. जब तक वो वालदैन के प्रेशर में होता है तब तक वो अपने आप को एनालाइज़ नहीं कर पाता, ठीक है, और इसकी वजह से वो कन्फ्यूज जाता है. मेरा तो मानना ये है कि जब तक आपका माइंड क्लियर नहीं है तो आप अपना जो है ना डेस्टिनेशन एक अपने आप को डायरेक्शन में सही नहीं रख सकते, क्योंकि मैं एक यहाँ पे जुमला बोलूँगा, क्लैरिटी इज़ पावर. क्लैरिटी इज़ पावर का मतलब ये है कि जितना आप क्लियर होगे अपने एम पे, आपको पता होगा कि मेरी फील्ड क्या है, मैंने किस फील्ड में जाना है, आप उतना जो है ना फुली स्ट्रेंथ से उसके ऊपर काम करोगे. लेकिन हमारा यहाँ मसला ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ये होती है कि जी बच्चे को लर्न की बजाय वो ग्रेड्स के पीछे भाग रहे होते हैं और उनकी जो है ना फोर्स करके उनसे फिर गलत फील्ड चूज़ करवा देते हैं. फिर ये होता है कि हमारे बच्चे जब पहुँच जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, फिर वहाँ पर उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करें, हमारी फील्ड क्या है, हमने जाना किस में. इवन के ये है कि हमारे जब बच्चे ग्रेजुएट होते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ से, उसके बाद भी उन्हें नहीं पता होता कि अब हमने कहाँ जाना है. मैं इसकी एग्जांपल ये दूंगा कि हमारे जो एमबीए करते हैं बच्चे या बीबीए करते हैं, वो बेसिकली बीबीए का मतलब क्या है कि बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन. उनको ये होना चाहिए कि उन्हें कोई ना कोई नए बिजनेसेस जो है ना वो डेवलप करने चाहिए, लेकिन वो बीबीए करके भी जो है ना वो जॉब्स ढूंढ रहे होते हैं. तो ये तो हमारा माइंडसेट है, तुम्हें पेरेंट्स का ये कि जॉब. हाँ, तो ये तो मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन मार्क होता है हमारे लिए कि एक बंदे ने डिग्री बिजनेस के की है और कर वो जॉब रहा है. तो ये मेरा एक छोटा सा पहला पॉइंट यही था कि बच्चों, ये पेरेंट्स के मेरा यही पैगाम है कि आप जो बच्चों के कैरियर हैं उनको बच्चों के ऊपर छोड़ दें, उनको एनालाइज कर दें अपने आप को कि वो किस फील्ड में जा सकते हैं, कहाँ पर वो एक्सेल कर सकते हैं. जितना उनके बच्चों का माइंड क्लियर होगा, ठीक है, उतना ही वो उसी फील्ड में आगे जा सकेंगे और अपना नाम बना सकेंगे, बजाय इसके कि वो बच्चे जो है अपना पेरेंट्स के प्रेशर के डर से कि जी नहीं पापा मारेंगे तो हमें नंबर ज़्यादा लेने हैं, या पापा बेइज्जत करेंगे ये तो नंबर ज़्यादा लेने हैं, बजाय इसके कि वो नंबर लेने के पीछे लगे रहें और लर्निंग को भूल जाएं अपनी, और वो उस मकाम पे खड़े ना हो सकें जहाँ पे उनको होना चाहिए था.
तो मेरा सबसे पहला मैसेज ये था. दूसरा आप मुझे क्वेश्चन मतलब टारगेट टारगेट गोल सेट करने चाहिए, आपके कहने का मुराद है अपना एम और टारगेट. बिल्कुल, अपना एम और टारगेट बच्चा खुद ही सेट कर सकता है अपना, कि मेरा उसके आजकल क्या पता है इंटरनेट का दौर है, बच्चे को पता चल जाता है कि मैं सेकंड ईयर के बाद मुझे क्या करना चाहिए या ए लेवल्स के बाद मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए. लेकिन क्योंकि पेरेंट्स का ये होता है कि जी हमारे घर में खासतौर पर जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये होता है कि जी फलाने का बच्चा अगर इंजीनियर बन गया तो नहीं मेरा बच्चा भी इंजीनियर ही बनेगा. हालांकि अगर वो चाहे तो वो जियोग्राफी करके PhD जियोग्राफी में करके आगे कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकता है. तो ये थोड़ा सा मेरा है, हम इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं कि पेरेंट्स को थोड़ा सा राइट डायरेक्शन दी जाए ताकि वो अपने बच्चों को फोर्स ना करें. अब आपने देखा होगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में केसेस ऐसे निकलते हैं कि बच्चे जब जाते हैं, रिसेंटली पाकिस्तान में हुए कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस तरह की दो यूनिवर्सिटीज में जो केसेस हुए थे कि बच्चे दरमियान में जाके डिग्री के दरमियान में जाके जब वो सही काम नहीं कर पाते तो एक तरफ से असाइनमेंट्स क्विजेस टीचर्स का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ से जो है ना पेरेंट्स का प्रेशर होता है, और फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट भी हुई है ना हमारी यूनिवर्सिटीज में. यूनिवर्सिटी का आपको शायद केस पता हो. तो वो बेसिकली सारा इसी प्रेशर का नतीजा है, जो एक प्रेशर बिल्ड किया जाता है बच्चों के दिनों में दोनों तरफ से, टीचर की तरफ से और उधर उसकी तरफ से भी पेरेंट्स की तरफ से. तो बच्चे एक्चुअली गुड लर्नर की बजाय ना वो गुड प्रेशर कुकर बन जाते हैं. या दैट्स अ गुड वन. We were having some technical issues. वापस we are back. Pressure cooker की बात कर रहे थे. हाँ, मैं वो यही कहना चाह रहा था कि बेसिकली यूनिवर्सिटीज में हमारे इदारे भी कुछ इस तरह से टीचर अंदर लगे हुए हैं कि जी लर्निंग कोई नहीं देते वाते हैं, अपना जो उन्होंने खुद रटे मारे होते हैं पिछले 5-6 सालों में स्लाइड्स वगैरह लेके आ जाते हैं, वही वो रटे लगा के फॉरवर्ड कर देते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक प्रेशर बिल्ड हो जाता है कि जी नहीं हमने लर्निंग गई भाड़ में, हम पहले इसको याद करें, इसमें नंबर अच्छे ले लें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है पेरेंट्स के आगे हमारी वाह हो जाएगी, लेकिन जब आगे फील्ड में जाते हैं तो काम नहीं आता होता. तो ये ज़रा होते हैं मसले मसाइल. तो मैं यही कह रहा था कि बच्चे गुड लर्नर की बजाय ना वो प्रेशर कुकर बन जाते हैं. बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो इसको तब्दील, सोच को तब्दील करने के लिए QEL ने, कमर एजुकेशन लिंकर ने क्या कोई मौके बनाया और कब से ऑपरेट कर रहे हैं, अब बैकग्राउंड भी बताइएगा QEL का. 2015 में हमने इसको, वैसे 2014 में तो बहुत माइनर लेवल पे था, मैं खुद अकेला था इसमें. 2015 में हमने इसको प्रॉपरली पब्लिक में हमने किया, ऑपरेट करना शुरू कर दिया था. और इसमें हमने एक तो अभी पिछले लास्ट ईयर से हमने ये कैंपेन स्टार्ट की हुई है कि हम डोर टू डोर जो है ना कैरियर काउंसलिंग करेंगे. जिस तरह होम ट्यूटर्स जाते हैं पढ़ाने के लिए, हम अपने जो है ना हमारे जो एक्सपर्ट हैं कैरियर काउंसलिंग के, हम उनको भेजेंगे जिसमें वो अपने उनके जो पेरेंट्स के बच्चों को बताएंगे कि अगर आपने ये कैरियर चूज़ करना है या इस ये फील्ड है तो आगे आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे और यहाँ पे इसमें ये प्रोज एंड कॉन्स हैं इस फील्ड के अंदर, आगे जाके अपने आप को इस यहाँ पे देख सकते हैं 4-5 साल बाद की डिग्री के बाद. शर्त ये है कि अगर आपके अंदर लर्निंग की कोई स्किल है या अगर आप चाहते हैं कुछ सीखना, सीखने के बाद जो है ना अगर आपके अंदर कोई स्किल डेवलप हो जाती है फिर आप उसके बाद किसी ना किसी मकाम पे बैठे होते हैं. जी 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 आप लाइव ही हैं. मेरी तरफ से आज टेक्निकल, आज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मेरी तरफ से टेक्निकल इशू आ गया, वरना और नॉर्मली यूजर्स की तरफ से होता है. माय अपोलॉजी फॉर दैट. यू कैन कंटिन्यू. कोई हां कोई इशू आप बोलते भी रहेंगे लाइव स्ट्रीम वो चलता रहेगा. बिल्कुल, मैं बोल रहा था मैं पीछे वो उनको पूरा एक्सप्लेन किया है. और दूसरा मेरा एक पॉइंट ये है फॉर द यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन और टीचर्स के लिए कि खुदारा जो है ना अपने स्टूडेंट्स के ऊपर प्रेशर इतना ना डालें, उनको लर्निंग की तरफ लेके हैं, ईजी टू ईजी मेथड अप्लाई करें कि वो किस तरह लर्न कर सकते हैं आपकी चीज़ों को. क्योंकि आप देखें हमने हमारी इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है. अब फर्स्ट करें मैं हूँ इंजीनियर, तो हम इसके एग्जांपल लेते हैं कि एट अ टाइम पाकिस्तान के अंदर थाउजेंड्स की जो है ना तादाद में इंजीनियर्स प्रोड्यूस होते हैं.
तो अब थोड़े कि जब तादाद में इंजीनियर प्रोड्यूस होते हैं तो उसके आगे यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है, तो वो किधर जाएंगे बेचारे। तो मेरा यही मौकफ था बिल्कुल कि जब तक उनके अंदर लर्निंग स्किल्स जितनी ज़्यादा स्टूडेंट के अंदर डेवलप होती है, तो अपने लिए खुद ही क्रिएट कर लेता है प्लेटफॉर्म। जिस बंदे के पास स्किल्स होती है ना, तो वो मेरे ख्याल से आसिफ साहब वो फ्री नहीं बैठ सकता। तो हमारे बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाए यूनिवर्सिटीज के अंदर ही, कि उनके अंदर खुद से स्किल्स डेवलप हो, काम करने का शौक पैदा हो। तो मेरे ख्याल से जितने भी ये जो ग्रेजुएटेड इंजीनियर्स हैं या डिफरेंट फील्ड्स के बंदे हैं, ये जो फ्री है, फ्री नहीं बैठेंगे। ये अपने लिए खुद ही प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो है ना इकोनॉमी भी स्टेबल हो सकती बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। जी तो इसके लिए तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है ना पूरा। बिल्कुल, हाँ, माइंडसेट पूरा चेंज करने देते हैं। लेकिन जहाँ तक इंसान को चाहिए कि अपने तौर पे जब आप जितनी कोशिश कर सकते हैं, अपना पैगाम जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं आप पहुंचाएं। हो सकता है अगर आप 10 बंदे आपका पैगाम सुन रहे हैं, तो उसमें से कोई एक जो है ना अमल भी कर ले उस पर, तो ये मेरे ख्याल से कामयाबी होती है कि दस में एग्जैक्टली से एक अब बंदा क्योंकि चेंज करता लॉकडाउन है। की सिचुएशन है यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट हाँ अभी हर इंसान घर में लॉकडाउन में बैठे हुए, तो ये एक बेहतरीन मौका है बिल्कुल, अपनी सोच को तब्दील करने सोच का। को बदलने का बिल्कुल। ये मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन मौका है लोगों के लिए, कि अपने पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के साथ अटैच होने का। ठीक है, जो हम पहले होते थे अटैच, आजकल के बच्चे तो अपने टैबलेट्स मोबाइल वगैरह में घुसे हुए होते हैं, या स्कूल्स या अकेडमी या इस तरह के सर्कल होता था। तो लॉकडाउन का एक तो ये हम बेनिफिट देख सकते हैं कि जो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच हो सकते हैं। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को ज़्यादा एनालाइज कर सकते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवा के आपको देख सकते हैं कि डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अगर आप ऑनलाइन देखें इन चीज़ों को, तो यूट्यूब वगैरह पे देखें, तो पेरेंट्स जो है ना बच्चों के बिल्कुल साथ काफ़ी ज़्यादा अटैच होके उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो अपना कैरियर किस तरह चूज़ करें। मेरा स्पेसिफिकली ऑब्जेक्टिव यही है कि अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके फिर एग्ज़ाम होने हो जाएंगे, और फ़ौरन ही फिर जो है ना उनके यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे। क्योंकि अगला जो मुझे लग रहा है जो हमारा सेशन होगा वो काफ़ी शॉर्ट सा होगा ना, जिसमें बच्चे बड़ी जी तेज़ी से फैसले करेंगे, और मुझे ये लग रहा है कि तेज़ी में वो कुछ प्रेशर की बात की थी, तो वो यही है कि इसमें अब हमारे पास टाइम कम होगा, टाइम तो एडमिशन लेने के लिए कम होगा, फिर टेस्ट प्रिपरेशन होगी, ये सारा कुछ जिसके लिए टाइम ज़्यादा चाहिए होता है। लेकिन चूंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जो है लॉकडाउन की सिचुएशन चल रही है, जिसकी वजह से हमारे पास जी अगला जो सेशन का टाइम स्पेन है वो बहुत कम है। तो ख़ास तौर पे अब ये जो जितना भी इनको लॉकडाउन में मौका मिला है, बच्चे अपने आप को एनालाइज करें कि कहाँ पे हम फॉल करते हैं, किस फील्ड में हम फॉल करना चाहिए हमें आगे यूनिवर्सिटीज में जाके, उसकी ये प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें। जी सर, और कोई आप मुझसे अगर कोई अच्छा क्वेश्चन खुर्रम आपको साहब, पूछना बीइंग एन चाहें। इंजीनियर, आप अपना जी भी जी कुछ लाइफ पर कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि बीइंग एन इंजीनियर आप किस तरह लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, अगर कोई इंजीनियरिंग की तरफ परस्यू करना चाहता है या चाहती अगर हैं। कोई इंजीनियरिंग, हाँ, मेरा ये है कि अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ परस्यू करना चाहते हैं, तो आपको फ़र्ज़ करें अगर कोई स्टूडेंट आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, उसने ज्वाइनिंग दी है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में वो ये करे कि एक्स्ट्रा वर्क जो है ना काम करना शुरू कर दे। मैं आपका एक्सपीरियंस ये शेयर करूँ कि मैंने 8 साल गुजारे हैं हॉस्टल में, 8वां साल है, मैं अभी भी इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहता हूँ। तो हॉस्टल लाइफ में मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो बच्चे यूनिवर्सिटी से आते हैं, फर्स्ट करें 4-5 बजे तक यूनिवर्सिटी का टाइमिंग है, तो वो आके फिर भी वापस अपने कमरों में घुस के सो जाते हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जिसका मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये टाइम ज़ाया करते हैं। हालांकि पीछे से पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा इन्वेस्ट किया होता है इनके ऊपर, ये यहाँ पे आके अपना लैपटॉप वगैरह पे टाइम ज़ाया करते हैं, बजाय इसके कि ये अपना इवनिंग टाइम जाना किसी भी वर्कशॉप में, या जिस तरह के यहाँ पे इंजीनियरिंग के हवाले से जो भी इनकी वर्कशॉप या प्रैक्टिकल काम हो रहा होता है, या कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो इवनिंग में अलाउ कर देती हैं, लैब इनकी ओपन होती हैं, यहाँ पे बैठ के लर्निंग का काम कर सकते हैं। तो जितना ये अपनी इंजीनियरिंग के हवाले से जितना ये अपने आप अपनी लर्निंग पे जोर देंगे स्टूडेंट्स, उतना ही उनके लिए अच्छा होगा। तो बेसिकली उतना ही अच्छा है कि इंजीनियर प्रोड्यूस होता है जितना उसकी लर्निंग ज़्यादा होती है या प्रैक्टिकल वर्क जिसका ज़्यादा होता है। क्योंकि थ्योरी में तो आपको पता है इंजीनियरिंग में कौन पूछता है, थ्योरी में जब आप जाते हैं फील्ड के अंदर कोई भी नहीं पूछता। उन्होंने ये तो नहीं पूछा कि आपने जी यही एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सिर्फ
तब तक पढ़ाया जा रहा होता है एंड व्हेन यू कंप्लीट योर इंजीनियरिंग तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस गेन करने के लिए जाना पड़ता है. तो क्या जिस तरह बाकी ममालिक में इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं या प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो आप का इससे कोई ट्रेंड चेंज हुआ है अभी? मेरे ख्याल से हमने तो किए थे. एक्चुअली ये होता है कि जो बच्चा काम करने वाला होता है वो काम कर जाते हैं. तो हमने मैंने खुद 8 सेमेस्टर गुजारे हैं तो हमने 8 सेमेस्टर के सेमेस्टर प्रोजेक्ट भी किए हैं. फिर उसके बाद फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी किया था हमने जिसमें मेरा एक यूनिक सा मैं समझता हूँ कि एक मेरा प्रोडक्ट जो मैंने बनाया हुआ है तो अभी उसमें मैंने दोबारा अपने जो हमारे सीनियर हैं उनके साथ अटैच होकर हमें उसको मजीद जो है ना काम करना है और उसको इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में लाना है. तो ये मेरी पूरी कोशिश होगी. लेकिन इसमें ये होता है मैंने जिस तरह बताया कि आपको देखें कि शाम जो है ना 5 बजे से लेकर अगर स्टूडेंट हॉस्टलाइज स्टूडेंट खासतौर पर उसके पास हॉस्टल में टाइम ज़्यादा होता है तो शाम 5 से रात 10 तक अगर वो 5 घंटे कहीं किसी यूज़फुल एक्टिविटी में अपने फील्ड के रिलेटेड लगा देता है तो वो मेरे ख्याल से जब 4 साल के बाद एक इंजीनियर निकलेगा तो वो एक सिर्फ इंजीनियर नहीं होगा वो एक अच्छा वर्किंग इंजीनियर प्रोड्यूस होगा हमारे पास. तो ये मेरे ख्याल से हॉस्टलाइज को सोचना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स सिर्फ पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते. एक हॉस्टल में अगर एक बंदा पढ़ा है तो वो समझें कोई 3-4 बंदों की फैमिली से एक उम्मीद बैठी है वहाँ पे हॉस्टल में बजाय इसके कि वो अपनी 3-4 बंदों की उम्मीदों को जो है ना ठेस पहुँचाएँ टाइम ज़ाया करके वो इवनिंग में 5 घंटे उसको यूज़ करें और एक अच्छा जो जो पीछे से वो उम्मीद ले के आया है अपने पेरेंट्स की अपने माँ बाप की तो वो उसको बिल्कुल उनको फख्र होना चाहिए उसकी कि उन्होंने हमारा हमने बच्चा जो है ना सही डायरेक्शन में भेजा था और इसने अपना टाइम आप इंजीनियरिंग पे हमारे पड़ोसी मुल्क में एक मूवी बनाई थी. हाँ बिल्कुल मैंने वो देखी थी और वो एक बहुत अच्छा मैसेज है हमारे स्टूडेंट्स के लिए. जी क्या ख्याल है आपका कि वो उसने बड़ा वही मैसेज दिया ना कि बच्चे को खुद ही अपना कैरियर चूज करना चाहिए कि वो किस फील्ड में एक्सेल कर सकता है बजाय इसके कि पेरेंट्स इसके ऊपर प्रेशर डाल दें. तो अब एक बंदा है एक का फसाद कहें कि फादर प्रोफेसर है और बच्चा जी फोटोग्राफर बनना चाहता है वो उसमें जो कहानी उसने बताई हुई है मूवी में तो वो यही बात एंड पे नतीजा यही निकलता है कि उसने आपने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया है प्लानिंग मतलब कोई वेबिनार्स वगैरह के कराएंगे ऑनलाइन या फिजिकल कोई जगह आपने रखी है जहां मेंटरिंग करवाएंगे बच्चों की या पेरेंट्स की? मेरा यही आगे प्लान हमारा यही है कि हम एक इंस्टीट्यूट इस तरह डेवलप करें कि जिसका मैं नाम ही यही रखूंगा कि स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट होगा जिसमें जो भी बच्चे होंगे इवनिंग में हम उनसे जो है ना प्रोजेक्ट वगैरह करवाएंगे इंशाल्लाह. अल्लाह ताला ने अगर हमें हिम्मत दी तो हम इस पर काम करेंगे कि बच्चों के लिए जो है ना लैब्स ख़ासतौर पर बनाएंगे उसमें हम बच्चों को बुलाएंगे उनसे प्रोजेक्ट्स करवाएंगे इवनिंग में ख़ासतौर पर. मेरा फोकस ये होगा कि हॉस्टलाइज बच्चों को जो है ना हम ज़्यादा फोकस करें क्योंकि हॉस्टलाइज बच्चे पे सिर्फ ट्यूशन की इन्वेस्टमेंट नहीं होती इसमें काफ़ी गरीब बच्चे आए हुए होते हैं और हॉस्टल फीस की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है फिर पीछे से खाना पीना और ये सारा कुछ आपको पता है हॉस्टल एक हॉस्टल लाइफ कैसी गुजरती है. तो मेरा आगे फर्दर प्लान मेरा यही है कि हम एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएं जिसमें जो है ना बच्चों की या इंजीनियर्स की या जो हैं उनकी एक लर्निंग जो है ना स्किल्स डेवलप हो जाएँ और साथ साथ उनके ये होगा कि हम उन बच्चों को साथ साथ एज अ एंटरप्रेन्योर भी डेवलप करेंगे कि अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किस तरह करें इंडस्ट्री में. ऑलराइट तो अब इसको अगर हम आखिर में रैप अप करना चाहें आपका कोई फाइनल वर्ड्स या कोई पैगाम ताकि एक शॉर्ट समरी में कुछ बता सके सो दैट हम अपना टाइम भी मेरे दो स्लोगन्स हैं अगर ये हो तो दो स्लोगन्स में मैं इसको रैप अप करूंगा कि सबसे पहला है बी सिंसियर एज मच एज यू कैन विद एवरीवन. हर एक के साथ सही सिंसियर होके चलें अपना जो भी आपके साथ आपके पास मशवरा भी लेने आता है तो आप मशवरा भी उसे सही से दें क्योंकि या वक्त भी देना आता है तो सिंसियरली उसे अपना वक्त दें. वक्त एक ऐसी चीज़ है जो वापस नहीं आती तो आप उसे वक्त अपना सही तरह से दे सकते हैं. दूसरा ये है कि ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड प्रमोट पॉजिटिविटी. थैंक यू वेरी मच इंजीनियर खुर्रम नसीर साहब. आप लाइन पे रहेगा मैं ये प्रोग्राम एंड करके आपसे वापस बात करता हूँ. तो इंजीनियर खुर्रम नसीर साहब QEL को रिप्रेजेंट करते हैं कमर एजुकेशन लिंकर्स एंड टुडे ही वाज टॉकिंग अबाउट कैरियर काउंसलिंग एंड ही इज़ ट्राइंग टू डेवलप एन इंस्टीट्यूट फॉर दैट.
جس میں مختلف شہروں میں وہ فزیکل انسٹیٹیوٹ بھی بنانے کی خواہش رکھتے ہیں, لیکن موجودہ دور پہ مے بھی شاید وہ ویبینارس اٹینڈ کریں. تو آپ لوگ پیرنٹس سے گزارش ہے جو اپنے بچوں کے لیے کیریئر کے متعلق منسلک ہیں یا کہیں پریشانیاں ہیں یا کوئی پرابلمس ہیں, سو ڈو لیٹ اس نو, ہم آپ کا رابطہ کرائیں گے قمر ایجوکیشن لنکرز کے ساتھ. سو اٹ از میسج ٹو کلوز ناؤ. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, فار یور پیشنس, فار لسننگ اس. تھینک یو ویری مچ. مے گاڈ بلیس یو اینڈ یور فیملی.